नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन च स्वागत। मैं हाँ कुसुम सोनिया। पहला एक नज़र चुनवीं खबरों से। भारत के सबका प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती आज देश भर में सुशासन दिवस के मौके पर वजो मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तहत 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही करवाए गए समागम दौरान देश के वख-वख 6 सूबों तो किसान लाभपात्रियों नाल प्रधानमंत्री ने गलबात भी की। वर्चुअल संबोधन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती कानूनों के नाँ ते किसानों को गुमराह करने लिए विरोधी पार्टियों ते तिखे वार किए। प्रधानमंत्री ने जोर दे के कहा कि सरकार ने देश के किसानों की खेती की लागत को घट करने के मकसद नाल काम किए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने खेती सुधारा राही किसानों नूं बेहतर बदल दिते। क्रिसमस का त्यौहार अज भारत समेत समुचे विश्व में पूरी धार्मिक श्रद्धा ते आस्था नाल मनाया जा रहा है। पंजाब विच भी वख-वख थाईं क्रिसमस दीआं रौणकां वेखण नूं मिल रही ने। दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादियां बाबा जोरावर सिंह अते बाबा फतेह सिंह अते जगत माता गुजर कौर जी की अदुत्ती ते लासानी शहादत नूं समर्पित 3 दिना सालाना शहीदी जोड़ मेला अज तो श्री फतेहगढ़ साहब विखे आरंभ होया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अंदोलनकारी किसानों नूं पंजाब विच मोबाइल टावरां की बिजली सप्लाई कट्टण तों गुरेज करन की अपील की। स्वच्छ भारत अभियान तो प्रभावित फाजिलका की महिला चंचल सुरभी नागपाल ने घर के कबाड़ अते रसोई के कूड़े के इस्तेमाल नाल अपने घर नूं खूबसूरत बगीचे में बदलिया। हुण खबरां दा विस्थार। भारत के सबका प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती अज देश भर में सुशासन दिवस वजो मनाई गई। इस मौके वख-वख सूबों में कई समागम आयोजित किए गए। मुख्य समागम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तहत एक बटन दब के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही करवाए गए इस समागम दौरान देश के वख-वख 6 सूबों तो किसान लाभपात्रियों नाल प्रधानमंत्री ने गलबात भी की। इन्हां किसानों ने प्रधानमंत्री किसान निधि योजना समेत किसानों की भलाई लई लियांदियां गईयां होर योजनावां लई सरकार दा धन्नवाद कीता। इन्हां किसानों ने नवे खेती कानूनों नूं बहुत लाहेवंद दस्या। प्रधानमंत्री ने किसानों नूं अपील की कि वह नवे खेती कानूनों के फायदे अपने साथी किसानों नूं भी दसण। किसानों ने वख-वख मुद्दियां ते खुल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल अपने विचार सांझे कीते। मेरा नाम गणेश राजेंद्र भोसले है। मैं महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा तालुका के मातुला गांव का रहवासी हूं। अभी मेरे पास 3 हेक्टर जमीन है जिस पर मैं सोयाबीन और तूर की फसल का उपयोग करता हूं। अच्छा, फसल बीमा योजना का कोई लाभ कभी लिए हैं आपने? फसल बीमा योजना से जुड़े हैं आप? हाँ सर जी, मैं बहुत सालों से फसल बीमा योजना से जुड़ा हूँ। कल मौसम में 2019 के मौसम में मैंने प्रधानमंत्री पीक फसल योजना बीमा में मैंने लाभ लिया है। कितना लाभ मिला, कितने पैसे मिले आपको? मैंने 2019 को प्रधानमंत्री फसल योजना में 2580 रुपए का प्रीमियम किया था, 54,000 रुपए का राशि मिला है। यानी इंश्योरेंस कंपनी 2,500 रुपया दिया था और 54,000 रुपया मिला। सर, हमारे कृषि में हमें अभी जंगली जानवर हमें बहुत परेशान हो रहे हैं, जिनको घोड़ा रोज बोलते हैं। हाँ, ये बात सही है आपकी। तो हमारे किसान लोग देश भर के किसानों नूं अपने वर्चुअल संबोधन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती कानूनों के नाँ ते किसानों नूं गुमराह करने लई विरोधी पार्टियां ते तिखे वार कीते। उन्हां कहा कि कई लोग इन्हां कानूनों बारे झूठ अते अफवाहां फैला रहे ने कि कंट्रैक्ट फार्मिंग नाल उन्हां दी जमीन खुस जाएगी। उन्हां अफसोस जताया कि पार्टियां नवें खेती कानूनों का विरोध करके अपने सियासी एजेंडे नूं अगे तोर रही ने। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज
कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं उन सबको बार बार नम्रता पूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। साथियों, आज जो किसानों के लिए इतने आंसू बहा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, बड़ा दुख दिखा रहे हैं, जब ये लोग सरकार में थे तब इन्होंने किसानों का दुख, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए क्या किया, ये देश का किसान अच्छी तरह जानता है। प्रधानमंत्री ने जोर दे के कहा कि सरकार ने देश के किसानों की खेती की लागत को घट करने के मकसद नाल काम किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने सॉयल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया और सोलर पंप शुरू किए। किसानों को बेहतर फसल बीमा कवर हेठ लियाने लई सरकार वालों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई, जिसका करोड़ों किसान लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों नूं उन्हां दी जिणस दा बेहतर भाव दिवाउण लई स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट नूं लागू करदिआं लागत दा डेढ़ गुणा घट्टो घट समर्थन मुल दिता। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने खेती सुधारा राही किसानों नूं बेहतर बदल दिते। उन्होंने कहा कि सरकार पिंडां विच किसानों का जीवन सुखाला करन लई लगातार काम करदी आ रही है, पर जो अज वड्डे वड्डे भाषण दे रहे ने उन्होंने सत्ता विच रहिंदिआं किसानों लई कुछ नहीं कीता। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का डेढ़ गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। पहले एमएसपी का ऐलान अखबारों में छोटी सी जरा जगह बनाना खबर के तौर पर आप छपता था, किसानों तक लाभ नहीं पहुंचता था, कहीं तराजू ही नहीं लगते थे। और इसलिए किसान के जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आता था। हम आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी नूं उन्होंने जन्मदिन मौके श्रद्धांजलियां देने लई नवी दिल्ली विखे राष्ट्रीय स्मृति स्थल से समागम का आयोजन किया गया, जिस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन समेत होर कई आगुओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि से श्रद्धा के फुल भेंट किए। क्रिसमस का त्यौहार अज भारत समेत समुचे विश्व विच पूरी धार्मिक आस्था ते श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ते उपराष्ट्रपति ने क्रिसमस दे त्यौहार मौके लोगों नूं वधाई दित्ती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने सुनेहे विच कहा है कि क्रिसमस का त्यौहार प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन नूं पूरी श्रद्धा अते आनंद नाल मनाउण दा मौका है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार लोगों दीआं जिंदगीआं नूं शांति, चंगयाई अते दया भावना नाल भरदा है। राष्ट्रपति कोविंद ने आस प्रगटाई कि यह त्यौहार समुचे विश्व विच शांति नूं हुलारा देवेगा अते मनुखता विच सद्भावना नूं कायम रखण विच मदद करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि यह त्यौहार मनुखता नूं उजागर करन लई दया अते मुआफ़ी दीआं कदरां कीमतां विच विश्वास नूं मजबूत करदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस दे त्यौहार ते लोकां नूं वधाई दित्ती। अपने ट्वीट विच उन्होंने कहा कि प्रभु ईसा मसीह दे जीवन अते सिद्धांतां ने विश्व दे लखां लोकां नूं ताकत बख्शी है। उन्होंने कहा कि उन्हां दे सिद्धांत समाज नूं एक सही रास्ता दिखाउण विच मदद करेगा। मोदी ने कहा कि हर व्यक्ति खुश अते तंदुरुस्त रहे। पंजाब सरकार ने छोटे साहबजादियां दी याद विच फतेहगढ़ साहब विच करवाई जा रही शहीदी सभा लई पंजाब भर विच 25 दिसंबर तों 27 दिसंबर तक रात दे करफ्यू विच छोट दित्ती है।
एक सरकारी बुलारे ने चंडीगढ़ विच कहा कि सरकार ने क्रिसमस त्यौहार से श्रद्धालुओं लिए गिरजाघरों में जाने लिए 24 दिसंबर की रात तो राज भर में रात के करफ्यू की छूट दी है। इस तरह 25, 26 और 27 दिसंबर को जिला फतेहगढ़ साहब में शहीदी जोड़ मेले दौरान श्रद्धालुओं के गुरुद्वारों में जाने के प्रोग्राम को देखते हैं। इन दिनों दौरान राज भर में रात का करफ्यू लागू न करने का फैसला किया है। इस नाल ही इन्हां धार्मिक प्रोग्रामां दे प्रबंधकां नूं हदायत दित्ती गई है कि वह कोविड संबंधी हदायतां दी पालना दा ध्यान रखण। दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे छोटे साहबजादियां बाबा जोरावर सिंह अते बाबा फतेह सिंह अते जगत माता गुजर कौर जी दी अदुत्ती ते लासानी शहादत नूं समर्पित 3 दिना सालाना शहीदी जोड़ मेला अज तो श्री फतेहगढ़ साहब विखे आरंभ होया। अज सवेर तो ही गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे भारी गिणती विच संगतां दा आउणा शुरू हो गया। शहीदी जोड़ मेले नूं मुख रखदिआं संगतां दी सहूलत लई SGPC अते जिला प्रशासन वल्लों ढुकवें प्रबंध कीते गए सन। संगतां गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे नतमस्तक होईआं। गुरद्वारा ज्योति सरूप साहब विखे अज श्री अखंड पाठ साहब की आरंभता हुई। शहीदी जोड़ मेले के दूजे दिन सिख इसत्री सम्मेलन होगा। अंतिम दिन गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब तो विशाल नगर कीर्तन सजाया जाएगा जिसकी समाप्ति गुरद्वारा ज्योति स्वरूप साहब विखे होगी। धरती ते शांति नामक ट्रस्ट वालों अज क्रिसमस के शुभ दिहाड़े मौके जलंधर नेड़े पेंदे ब्यास पिंड विखे आत्मिक जागृति शांति सम्मेलन करवाया गया। ट्रस्ट के मुखी डॉक्टर संत सुंदर लाल ने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए क्रिसमस की बधाई दी। इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं कहा कि प्रभु यीशु ने समाज में मनुखता भाईचारा और दया का सुनेहा दिता ते सानू सारयां नूं उन्हां दे विखाए मार्ग ते चलना चाहीदा है। उन्हां लोकां नूं मनुखता की भलाई लई काम करन ते सारयां वास्ते करुणा भावना रखण की अपील की। अज दे इस समागम दौरान विश्व विच शांति ते खुशहाली लई विशेष प्रार्थनावां कीतीआं गईआं। संत राम लाल समेत प्रभु प्रेमियों ने भजन गा के संगतां नूं निहाल कीता। द ओपन डोर चर्च खोजेवाला विखे भी प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन क्रिसमस नूं पूरी धार्मिक श्रद्धा ते जोशो खरोश नाल मनाया गया। वड्डी गिणती विच लोकां ने इत्थे पहुँच के हाजरी लगवाई। पास्टर हरप्रीत देओल ने आईआं संगतां नूं प्रभु यीशु दे प्रवचनां द्वारा निहाल कीता। समागम विच कई धार्मिक सियासी अते समाज सेवी जथेबंदियां ने भी शिरकत कीती। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अंदोलनकारी किसानों नूं पंजाब विच मोबाइल टावरां दी बिजली सप्लाई कट्टण तों गुरेज करन दी अपील कीती है। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान विच उन्हां कहा कि वख-वख थावां तों इन्हां टावरां दी बिजली सप्लाई कट्टण दीआं रिपोर्टां मिल रहीआं ने अते इस नाल लोकां नूं भारी असुविधा पैदा हो रही है। मुख्यमंत्री ने अंदोलनकारियों नूं पहलां वांग संजम बनाए रखण लई आख्या। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के इस दौर में दूर संचार सेवावां लोकां लई बहुत महत्वपूर्ण ने। उन्हां कहा कि जबरी बिजली कट्टण ते टेलीकॉम सेवावां देण वाले मुलाजमां जां तकनीकी कर्मचारियों नाल हथो पाई होना अते कानून नूं अपने हत्थां विच लैणा पंजाब दे हित विच नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जोर दे के कहा कि पंजाब दे लोक खेती कानूनां विरुद्ध लड़ाई विच किसानां दे नाल खड़े ने अते अगे भी खड़े रहणगे, पर किसानां नूं भी जिम्मेवारी दिखाउंदिआं इह यकीनी बनाउणा चाहीदा है कि इंसाफ दी लड़ाई दौरान लोकां नूं कोई मुश्किल पेश ना आवे। साढ़े समाज में कई लोग अजिहे ने जो चंगे काम करके दूसरे लोगों लिए मिसाल पेश करते हैं जिस नाल होरनां नूं भी चंगा काम करन दी प्रेरणा मिलती है। स्वच्छ भारत अभियान तो प्रभावित होकर फाजिलका शहर की एक महिला ने रसोई के कूड़े और घर में इकट्ठे हुए कबाड़ का बेहतरीन इस्तेमाल करके जिथे वातावरण शुद्ध बनाने विच अहम योगदान पाया उत्थे घर वास्ते वख-वख तरह दीआं सब्जियां भी उपलब्ध करवाईआं। फाजिलका दे अशोका विहार की महिला चंचल सुरभी नागपाल नूं 3 साल पहला कबाड़ अते कूड़े का इस्तेमाल करके घर विच सब्जियां उगाउण दा शौक पैदा होया ते वेखदिआं ही वेखदिआं उसने अपने घर नूं कूड़ा मुक्त खूबसूरत बगीची का रूप दे दिता। इस नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा है। आ गया दिओ, धन्यवाद।